हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाजपा से किरण भारती निर्विरोध प्रधान निर्वाचित भीनमान। पंचायत समिति प्रधान के चुनाव गुरुवार को स्थानीय पंचायत समिति परिसर में उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश चौधरी व तहसीलदार राम सिंह राव की मौजूदगी में संपन्न हुए, जिसमें भाजपा से किरण भारती ने नामांकन दाखिल किया और कांग्रेस ने कोई नामांकन दाखिल करने पर भाजपा प्रत्याशी किरण भारती को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। चुनाव को लेकर सवेरे 10 बजे से ही पंचायत समिति के सामने सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। 10:30 बजे भाजपा से किरण भारती व कांग्रेस से किसी ने नामांकन पेश नहीं किया। करीब 11 बजे उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश चौधरी द्वारा भाजपा प्रत्याशी किरण भारती को निर्विरोध प्रधान निर्वाचित कर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इसके बाद विजय जुलूस निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर भीड़माल नगर स्थित विधायक पूराराम चौधरी के निवास स्थान पर पहुंचा। जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा व पीएम नरेंद्र मोदी समर्थक ने नारेबाजी की गई। इस कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना अधिकारी दूलीचंद गुर्जर के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। नव निर्वाचित भीनमाल पंचायत समिति प्रधान सारियाना निवासी किरण भारती पत्नी भरत कुमार रोहन का जन्म 1 अप्रैल 1992 को करड़ा में पिता प्रभुराम पंचाल व वर्जू देवी पंचाल के घर हुआ था। किरण की शादी वर्ष 2012 में सारियाना निवासी भरत कुमार रोहन के साथ हुई थी। किरण के पिता प्रभुराम पंचाल वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम भीनमाल में सहायक शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं, जबकि माता वर्जू देवी गृहिणी हैं। किरण के दो पुत्र हैं। किरण भारतीय बीए, एमए व बीएसटीसी डिप्लोमा के बाद गृहिणी हैं, जबकि उसके पति बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं। राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत पंचाल का परिवार आरएसएस से जुड़ा हुआ है, जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभाता है। किरण भारती ने पहली बार भाजपा से टिकट लेकर पंचायत समिति का चुनाव लड़कर निर्विरोध प्रधान चुनी गई हैं। उप प्रधान के चुनाव आज। पंचायत समिति प्रधान पद के बाद उप प्रधान के चुनाव शुक्रवार को स्थानीय पंचायत समिति परिसर में उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश चौधरी की मौजूदगी में संपन्न होंगे। जागरूक टीवी के लिए भीनमाल से प्रभत सिंह राव की रिपोर्ट।